अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दो। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। इमोशन को मिलेगा नया रूप, सकीना का बेटा लड़ेगा नई लड़ाई। हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा, वेलकम बैक टू बॉलीवुड रैट स्टूडियोज। भारत पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो कि काफी ज्यादा एक जैसे हैं। इसकी वजह है इन दोनों देशों में जो लोग रहते हैं वो एकदम एक जैसे हैं और एक ही जगह से आए हैं। चाहे इस बंटवारे ने हम सबको दुनिया के नक्शे पर तो बांट दिया हो, लेकिन असल जिंदगी में यहाँ लोगों को कोई बांट नहीं सकता। जहाँ हमने बंटवारे पर ना जाने कितनी फिल्में देखी हैं, ये बात हम सब जानते हैं कि ऐसी बहुत ही कम फिल्में हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच के प्यार को बड़े पर्दे पर दिखा पाए। ऐसा ही प्यार गदर फिल्म में दिखाया गया था। जी हाँ, अमीषा पटेल और सनी देओल की स्टोरी ने हम सबका दिल तो जीत ही लिया था और साथ ही में हमें भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बेहतरीन रिश्ते को दिखाया, जिसने हम सबके मन में एक दूसरे के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ा दिया। अब बात आती है इस फिल्म के सीक्वल की। जी हाँ, जब से सनी देओल ने गदर 2 की अनाउंसमेंट की है तो सभी के दिलों में इस फिल्म की कहानी को लेकर काफी ज्यादा सवाल है। आपको बता दें कि गदर 2 में हम भारत पाकिस्तान के युद्ध को देखने वाले हैं। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि अमीषा और सनी देओल के बेटे का किरदार निभाने वाले उत्कर्ष शर्मा इस फिल्म की कहानी में भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध से कैसे जगाने वाले हैं वो सारे इमोशंस जो गदर ने जगाए थे। ये बात हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने इस युद्ध में हार का सामना किया था, तो ये देखना बड़े पर्दे पर काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि कैसे ये युद्ध की कहानी के साथ हमें प्यार के वो एंगल दिखाएंगे जो कि फिर से इमोशन से हम सबको भर देगी। हम सबके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है ये सफर। और क्या गदर 2 ऐसी कहानी साबित हो सकती है जो कि इस इमोशन को आगे बढ़ा पाएगी? इसके लिए हमें और आपको करना पड़ेगा इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार। लेकिन तब तक आप फिल्मों के इंतजार से जरा आगे बढ़िए। और अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको बता दें कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी भारी जोश और एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। भाई, मैं भी इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड तो हूँ, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीवुड रैट स्टूडियोज को।